पुलिस थाना खेती अंतर्गत ग्राम भड़गोन में नाले में एक लाश बहकर आई और ग्रामीणों ने देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। लंबे समय से हो रही तेज वर्षा के चलते न सिर्फ नदियों और नालों में भारी बहाव के साथ पानी बह रहा है बल्कि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। NAR नंबर 5। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवेरे ऑफिस शुरू होने के साथ ही निरीक्षण करने सचिवालय जा पहुंचे, जहां इस दौरान उनके साथ प्रमुख शासन सचिव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के इस अचानक दौरे में कई बड़े अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। मुख्यमंत्री ने अपने निरीक्षण में अधिकारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली का आकलन किया। खेतिया थाना अंतर्गत इसी सप्ताह एक अज्ञात व्यक्ति की लाश भड़गोन निसरपुर रोड पर पेड़ से लटकी भी मिली थी। नाले में लाश होने की सूचना मिलते ही तत्काल नगर निरीक्षक सुनीता मंडलोई अपनी टीम के साथ भड़गोन नाले पर पहुंच गई और थाना प्रभारी निरीक्षक मंडलोई ने ग्रामीणों से पूछताछ की तो जानकारी में सामने आया कि अज्ञात व्यक्ति का शव ग्राम भड़गोन नाले के पास बहकर आया और यह व्यक्ति जैसी पिता विश्राम पटेल जाति पावरा बारेला निवासी ग्राम आमछीरी खेतिया का रहने वाला है। ग्राम आमछीरी में मृतक के परिजनों से भी संपर्क किया गया, वह भी पहुंच गए और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आज सुबह सुबह ग्राम भड़गोन से थाने पर एक नागरिक द्वारा सूचना दी गई है कि ग्राम भड़गोन के नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। तो सूचना पे पुलिस स्टाफ के द्वारा तुरंत जाके देखा गया, सब उल्टा पड़ा था, उसको सीधा करके उसकी पहचान की गई तो ग्राम आमझिरी का जयसिंह पिता विश्राम बारेला निकला। तो फिर परिजनों को भी वहाँ ग्राम आमझिरी सूचना दी गई है और मर्ग कायमी कर PM कराया जा रहा है। परिजनों का क्या कहना है? परिजनों से चर्चा करते बताया कि कल शाम को तो घर पे ही थे लेकिन रात में सोच के लिए नाले किनारे गए होंगे तो वहीं नाले में पानी आने से उसमें बहने से। जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट।